Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. स्टार प्लस की पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं, जिसे कि अब तक आप सभी ने देखा कि शो में कई सारे नए टर्न्स एंड ट्विस्ट आए हैं जो कि ऑडियंस को काफ़ी एंटरटेन कर रहा है। जहां मिस्टर चौहान कंप्लेन दर्ज करवाते हैं सीरत के खिलाफ और पुलिस सीरत को अरेस्ट कर लेकर जाती है, वहीं मीडिया के कई सारे लोग सीरत और कार्तिक के रिलेशनशिप को लेकर कई सारे सवाल खड़ा करते हैं, जहां सीरत काफ़ी ही टूट गई है। जेल में सीरत को काफ़ी इमोशनल होते हुए नजर आती है, वहीं दूसरी ओर मोनी का हालत काफ़ी ही ख़राब हो गया है, जहां मोनी बेहोशी के हालत में भी सीरत का नाम पुकार रही है। जहां कार्तिक कोशिश करते हैं कि वो पुलिस स्टेशन जाए और सीरत को जमानत करके लेकर आए, लेकिन वहां पे भी मीडिया के कई लोग कार्तिक का पीछा करते हैं, जिससे वो सीरत से नहीं मिल पाते हैं। वहीं घर पे लौट आने पर कार्तिक को सीरत का कॉल आता है और वो काफ़ी ही इमोशनल हो जाती है कार्तिक से बात करने के बाद, और वो कहती है कि वो कुछ भी सही करने जाती है तो गलत होते जा रहा है। जहाँ कार्तिक सीरत को समझाते हैं और वो दिलासा देते हैं कि वो जल्द ही उसे बेल करवा कर रहेंगे। वहीं अब कार्तिक ने डिसाइड किया है कि वो एक इंटरव्यू देंगे, जहाँ वो इंटरव्यू के लिए रिपोर्टर को घर पर ही बुलाते हैं, जहाँ बातों ही बातों में रिपोर्टर कार्तिक से पूछती है कि सीरत नायरा के हूबहू दिखने के वजह से क्या वो उससे प्यार कर बैठे हैं, क्या यही वजह है उनके शादी करने का भी। जहां ये बात सुनकर सभी ही घर वाले काफ़ी ही शौक हो जाएंगे, इतना ही नहीं यह पुलिस स्टेशन में देखकर काफ़ी ही शौक रह जाएगी। अब देखना यह है कि कार्तिक कैसे जवाब देंगे इसका। कार्तिक सीरत को जेल से बाहर निकाल पाएंगे या मिस्टर चौहान और कई नई मुसीबत पैदा करेंगे सीरत के लिए, ये देखना वाकई ही दिलचस्प होते जा रहा है।